मध्य प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में नर्सिंग घोटाले का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सरकार को घेरा और जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार विपक्ष के महत्व को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। यह घोटाले की सरकार है और इसकी सुरंग का रास्ता खुल गया है जो विश्वास सारंग तक जाता है। अगर सरकार विपक्ष के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए है तो एक ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घोटाले की पे घोटाला, इसकी जो सुरंग पे हुआ किनारे पहुंच गया, सुरंग का रास्ता खोला जाएगा विश्वास सारंग का। इधर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन में आज पता चल जाएगा कि विश्वास सारंग ने क्या किया है। यदि कांग्रेस सरकार में गड़बड़ी हुई है तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? गलत किया है तो सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही है? तो फिर पहली चीज तो कि ये हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हुए हैं? पहले इनमें दम नहीं है क्या? इनको अपने संवैधानिक अधिकार उपयोग करके जो किसी अगर कांग्रेस ने यदि गलत किया तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, इनसे ये पूछो पहले तो। और नहीं कर पा रहे तो पहले तो तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति के अंदर इतनी बेशर्मी जाग जाए राजनीति में कि वो अपने 20 वर्ष के कार्यकाल को ना देखते हुए मात्र 1.25 साल के कार्यकाल की बात करे तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की बात को कितनी तवज्जो देनी चाहिए। और रही बात अभी जब अंदर सदन में चर्चा होगी तो पता लग जाएगा कि किसने विश्वास सारंग ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और किसने क्या किया। अभियान खुल जाएगी, पोल सबकी बात होने दीजिए सामने। वहीं दूसरी ओर जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमें विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। जी जरूर, हमें तो आश्वासन दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कल, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की कार्यसूची में ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस पर चर्चा भी की जाएगी। चर्चा के दौरान जो हमारे पास बिंदु है और जो बड़ी त्रुटियां की गई हैं इसमें वर्ष 2021-22 में 23 में जिसके द्वारा बड़े बड़े मंत्री मालामाल हुए, उनके दलाल मालामाल हुए, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को लेकर आज हम इस सदन में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।